नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमन अर्पण जी, लेखिका है, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। आइए सीधे बात करते हैं और विभिन्न विषयों पर उनकी राय जानना चाहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी, जो आज आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। सुमन जी, सबसे पहला सवाल एक की जिस विषय को लेकर आप लगातार काम करते आए हैं, वो है एक नारी सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत किस तरह से सुरक्षित रहे, दिल्ली में कितनी सुरक्षित है औरतें, आपकी क्या? योगराज जी, आपने बहुत ही संजीदा सवाल पूछा है कि मैं ये कहूँगी कि दिल्ली इज़ ए कैपिटल ऑफ रेप। शाम के अंधेरे देख मुझे खौफ होता है, मेरे देश में हर 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। आप खुद ही देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, आपने कभी हाथरस को देखा, कभी निकिता तोमर का केस देखा, कभी एसिड अटैक की घटनाएं हो रही हैं। दिन पर दिन हमारा जो मानवीय मूल्य है वो समाप्त होते जा रहे हैं और महिलाओं के साथ जो बढ़ता अपराधीकरण है वो हमारी इस देश की बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर पिछले कुछ दिनों से मैं ध्यान दे ही रही थी, और इससे पहले जब मैंने ये काम शुरू किया, या मेरा एक स्लोगन भी है, नो रेप इन इंडिया, वुमेन सेफ इन इंडिया, जब बुलंदशहर में एक रेप हुआ था, माँ बेटी का सड़क के ऊपर रेप हुआ था, उस वक्त मैंने अपने इस मिशन को शुरू किया था और तब मैंने एक थॉट दिया था, से नो एंडेवर वुमेन क्राइम विद अस। तो तब से मैं इस मुहिम को चला रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस देश में किसी भी बहन बेटी या किसी भी महिला के साथ, किसी भी नारी के साथ कोई भी दुराचार हो, कि इस अमानवीय घटना को मैं हिंदुस्तान से मिटाना चाहती हूँ, इस अपराधीकरण की जड़ों को हिंदुस्तान से मैं मिटाना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने इस मुहिम को शुरू किया है कि हमारे देश में जो यौन शोषण हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, जो रेप जैसी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, मैं कैसे चुप रहूं जब चारों तरफ है हाहाकार, मैं कैसे चुप रहूं जब चारों तरफ है हाहाकार, यहाँ देखो बलात्कार, वहाँ देखो बलात्कार। तो वो पीड़ा मेरे हृदय में होती थी, सुनाई देती है मुझे कहीं से, सुनाई देती है मुझे कहीं से मासूम बेबस बच्चियों की पुकार, बचाओ हमें, ना होने दो बलात्कार, ना होने दो बलात्कार। तो वो पीड़ा, वो व्यथा उन नन्ही और मासूम बच्चियों की, जो दूध पीती बच्चियाँ, जो अबोध बच्चियाँ हैं, दरिंदे उन बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। तो फिर वो पीड़ा जब मेरे कानों तक पहुँचती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, और तब से मैंने इस मुहिम को योगराज जी शुरू किया कि नो रेप इन इंडिया, वुमेन सेफ इन इंडिया, एंड से नो एंड नेवर वुमेन क्राइम। यही मेरे जीवन का सबसे बिल्कुल जो मकसद लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं, वो मकसद आपका कामयाब हो, ऐसी पूरे देशवासियों की कामना है। लेकिन इसी विषय को एक लेखिका होते हुए आप किस तरह के शब्दों में, किस तरह की कविताओं में आप इसे बयान करना चाहेंगे? लेके दर्द रेप का जो हम जीते हैं, ये वो दर्द है जो हम हजारों बार पीते हैं। ये पीड़ा उस मासूम बच्ची की है, और मैंने अपनी इस पीड़ा को, उन मासूम बच्चियों की पीड़ा को अपनी पुस्तक निर्भया में उतारा है। आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि आज से लगभग 1 साल पहले डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का के साथ जो दुराचार की घटना हुई, इतना हीनियस क्राइम, इतनी जघन्य क्राइम के बाद उनकी इतनी निर्मम हत्या, या निर्भया मर्डर केस को ही देख लीजिए कि 8 साल के बाद किस तरह एक निर्भया इंसाफ के लिए, मरने के बाद भी इंसाफ के लिए तरसती रही। तो मैंने उस सारी की सारी पीड़ा को अपनी पुस्तक निर्भया में उतार दिया, और परंतु शब्दों से मेरी बात नहीं बनेगी। आज मैंने एक मिशन शक्ति शुरू किया है, उस मिशन शक्ति के साथ मैं इस देश की हर बेटी को जागृत करना चाहती हूँ कि आपके माता पिता भाई बहन जिंदगी में आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ नहीं चलेंगे। आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद पहल करनी होगी, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना होगा, आपको शिक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी तैयारी खुद से करनी होगी, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। नारी की अस्मिता कभी हिंदू मुस्लिम या ईसाई नहीं होती, औरत नाम है प्रकृति का जिसकी गरिमा कभी धूमिल नहीं होती। मैं मानती हूँ कि संसार में दुराचारी हैं, यदि अगर किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो भी गया तो अंधेरे के दामन में हम अपने आप को नहीं वो कर सकते। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का पैगाम मैंने अपनी पुस्तक निर्भया में दिया है। और एक बात और भी कहना चाहूँगी कि मैं, ज़रा गौर से सुनना मेरे लफ्ज़ों को, ज़रा गौर से सुनना मेरे लफ्ज़ों को, अब इनसे शब्द नहीं, लफ्ज़ नहीं, अश्क बहा करते हैं। ज़रा गौर से पढ़ना मेरी आँखों को, अब इनसे अश्क नहीं, लहू बहा करते हैं। ये सारी की सारी पीड़ा उस
मासूम बच्ची की है। वो एक मासूम बच्ची इस देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पुकार लगा रही, गुहार लगा रही है, ए न्याय के देवता एक सज़ा ऐसी ईजाद कर, ए न्याय के देवता एक सज़ा ऐसी ईजाद कर, रूह कांपे पापियों की घर स्वप्न में भी कोई दुष्कर्म करे। तो वो ये छोटी सी उस बच्ची की, मासूम बच्ची की पीड़ा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे वो लगा रही है। और मैं इस मिशन में इस देश की हर बेटी के साथ, इस नारी के साथ हूँ, परंतु मैं ये खुद कहना चाहूँगी कि जब तक नारी अपने भीतर की छुपी हुई उस वीरांगना लक्ष्मीबाई को खुद से नहीं पहचानेगी, तब तक वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी। हर स्त्री के अंदर, हर नारी के अंदर, हर बच्ची के अंदर वो शक्ति है कि वो अपने सामने आए हुए दुराचारी को परास्त कर सकती है। ज़रूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, अपने भीतर की उस नारी वीरांगना लक्ष्मीबाई को जागृत करने की। यही मेरा इस देश की हर बेटी के लिए पैगाम है। खुद ही को कर बुलंद उतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो नारी कोमल है, कमज़ोर नहीं। जो एक नारी है वो कोमल है, कमज़ोर नहीं। आज आप देखते हो कि इस देश में महिला पायलट्स राडार चला रही हैं, कल्पना चावला चांद तक पहुंच गई। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नारी नहीं कर सकती। नारी के सम्मान में भी दो शब्द मैं कहना चाहूँगी जो संपूर्ण भारतीय नारी को समर्पित है। नारी क्या लिखूँ तुम्हारे सम्मान में, मुझको शब्द नहीं मिलते। नारी क्या लिखूँ मैं तुम्हारे सम्मान में, मुझको शब्द नहीं मिलते। सजाऊँ कैसे तुम्हारी अनुपम कृति, वो तराशे हुए रतन नहीं मिलते, वो तराशे हुए रतन नहीं मिलते। नन्हे नन्हे पैरों की वो थाप, नन्हे नन्हे पैरों की थाप जब पहुँच जाती है मंगल और चांद ग्रह पर, वो बेटे नहीं मिलते, वो बेटे नहीं मिलते। नारी क्या लिखूँ मैं तुम्हारे सम्मान में, मुझको शब्द नहीं मिलती। नारी सृष्टि है, नारी सृजन है, नारी संहार है, बस ज़रूरत है तो नारी को खुद को पहचानने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जिस तरह के शब्द आपकी एक कविता से निकले कि एक नन्ही बच्ची सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी सजा की ईजाद की मांग करती है कि किसी भी दुष्कर्मी का रूह कांप उठे। अगर आज कानून की बात हो देखी जाए तो एक अधिवक्ता होने के नाते आप कितना सशक्त मानती हैं वर्तमान कानून को और किस तरह के बदलाव की जरूरत दिखाई देती है? देखिए योगराज जी, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी तरह के दुराचारियों को एक साथ फांसी की सजा दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्भया के दोषी थे वो 6 लोग थे, जिसमें से एक ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और एक जुनाइल था, और उसकी सजा माफ हो गई और वो चाइल्ड वो उसमें सज़ा पा रहा है, और बाकी 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। और जो उनके वकील साहब थे एपी सिंह जी, वो उन्होंने आखिरी पल तक उन्होंने कोशिश की कि इस फांसी की सज़ा को रोका जाए। कभी उन्होंने मर्सी पिटीशन लगाई, कभी उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई। इवन देन सुबह जब फांसी हुई उससे 2-2.5 बजे के करीब रात के भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। परंतु मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा सफिशेंट नहीं है, कि कातिलों को सिर्फ फांसी की सज़ा दे दी जाए ये सफिशिएंट नहीं है। आज हमें इस बारे पर विचार करना होगा कि आखिर इस देश में दुराचार हो ही क्यों रहा है, दुराचार के पीछे के कारण क्या हैं। हम लोग देखते हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, जैसे मैं डिबेट्स में बैठती हूँ या पैनल्स पर बैठती हूँ, जब भी इस देश में कहीं पर भी दुराचार होता है, दुराचार होने के थोड़ी देर के बाद ही सारे चैनल्स अपना एक पैनल बिठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, डिबेट्स होती है, और वहीं आज वही वही का वही सारी चीज़ें रह जाती हैं। आज फिर एक बलात्कार, उसके बाद फिर कैंडल मार्च, फिर वही मौन, फिर वही सारी चीज़ें, वो तस्वीरें लगाकर कैंडल मार्च निकालकर लोगों को लगता है कि हमारी मॉरल ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई। और 4 दिन बाद फिर सुनने में आता है कि आज फिर एक दुराचार हो गया। अभी हमारे सामने कुछ हादसे ऐसे भी आए कि जहाँ 60-60 साल की या 80-80 साल की वृद्धाओं के साथ दुराचार की घटना आई है। तो हमें आज ये सोचना पड़ेगा कि इस देश के लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है, कहीं वो मनोरोगी तो नहीं है, और इस दुराचार के पीछे की जो वास्तविक मनोस्थिति है लोगों की वो क्यों है, क्यों इस देश के अंदर महिलाओं से संबंधित दुराचार की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आप राजस्थान के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिन पर दिन महिलाओं के साथ होने वाले जो आंकड़े हैं अपराधी, और उसमें से सबसे बड़ा जो रेशो आता है वो रेप का आता है, दुराचार का आता है, वो आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आज संसार भी ये कहने पर वो हो रहा है कि क्या भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दुराचार हो रहा है। तो यहाँ पर मैं न्याय और प्रशासन से यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें फास्ट ट्रैक चलाना होगा, कि अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से
उस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, लेकिन फांसी की सज़ा एक सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए कानून को कुछ और संजीदा का नियम और कानून बनाने पड़ेंगे और कड़े कानून बनाने पड़ेंगे कि अपराध होने से ही पहले, अपराध होने के बाद अगर कातिलों को लोगों को सज़ा मिलती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध को रोका कैसे जाए, हमने इस पर विचार करना है कि अपराध को हम रोक कैसे। ये तो बात हुई महिलाओं के ऊपर होने वाले दुराचार या अत्याचारों की। अब दो विषय और ऐसे सामने आते हैं, कन्या भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे अभियान लेकर लगातार सरकार आगे आ रही है, कितने सार्थक हैं, कितने असरदार हैं, ये वाकई कितने धरातल पर खरे उतर रहे हैं ये अभियान। देखिए योगराज जी, आपने एक बहुत ही संजीदा प्रश्न उठाया है, कन्या भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो हमें इस विषय पर ये ध्यान रखना होगा कि इस देश में जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश है, यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। इसके अंदर हमारे देश में हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, समता और समानता की बात भी करते हैं, और हमारे देश में औरत को समानता का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें सिर्फ अब किताबी बातें रह गई हैं, वर्बली बातें रह गई हैं। अर्बन एरियाज़ में मैं मानती हूँ महिलाएँ शिक्षित हैं, महिलाएँ पढ़ रही हैं, नारी जागृत हो रही है, लेकिन रूरल एरियाज़ में वही महिलाओं के साथ दुराचार की जो समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा है। आज भी वहाँ वंश बढ़ाने के नाम पे या मेरे वंश को जीवित कौन रखेगा, आज भी कन्या भ्रूण हत्या का रेशो इतना अमानवीय कृत्य हम देख रहे हैं, जो दिन पर दिन आज भी बढ़ रहा है। आप राजस्थान के गाँव में चले जाओ, आज भी वहाँ पे पुरानी कुरीतियाँ, आज भी पुरानी परंपराएं जो हमारी बुराइयाँ हैं वो जीवित हैं, और उन पर लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है या तो उसे मार दिया जाता है या उसका पता ही नहीं चलता। और यही सेम सिचुएशन जब तक हम समानता की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम देखते हैं तो इस देश के अंदर हर 10 लड़कों में सिर्फ 7 लड़कियां बची हैं। तो ये जो असंतुलन इस देश के अंदर पैदा हो रहा है कि अगर 10 लड़कों पर एक 7 लड़की रहेंगी तो आने वाले जो देश में, भावी समाज में, हमारे भावी समय में ये रेशो कितना, ये जो तालमेल है कितना लड़खड़ा जाएगा, इसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाए। लोग नारी की पूजा तो करते हैं, लोग कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन कन्या पूजन करने के बाद उस कन्या का सम्मान कहाँ होता है, इस देश में कभी भी नहीं होता। और दूसरी बात, घर के अंदर ही एक बेटा है और एक बेटी है तो बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है और बेटी को प्रेफरेंस नहीं जाती दी जाती। तो सबसे पहले तो हमें मानवीय सोच को बदलना होगा कि आज जो मनुष्य है, अगर हम अपने आप को शिक्षित कहते हैं, हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, हम अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। यहाँ पर जो ये जो दुराचार हो रहा है या जो ये चीज़ है, यहाँ एक युग परिवर्तन की बात हो रही है, एक क्रांति की बात हो रही है, लेकिन वो क्रांति आएगी कहाँ से? वो क्रांति हमारे विचारों से आएगी। आज समाज में हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। हमें जिस देश में नारी को पूजा जाता था, उस देश में मुगलों के आने के बाद से नारी की जो स्थिति है वो बहुत शोचनीय हो गई। भारत के अंदर कभी भी बलात्कार जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन वो बलात्कार जैसे शब्द कहाँ से आए? महिलाओं के साथ दुराचार जैसे शब्द कहाँ से आए? मुगल आक्रांताओं के आने के बाद इस देश की महिलाओं की स्थिति शोचनीय हो गई और दिन प्रतिदिन शोचनीय होती ही जा रही है। आज सरकार ने, कानून ने कन्या भ्रूण हत्या पर बहुत कड़े नियम बनाए हैं और इस तरह के लिंग परीक्षण के लिए भी बहुत कड़े नियम हैं जिनकी सज़ा बहुत लंबी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सारे काम, ये सारी की सारी बुराइयाँ कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से, कन्या भ्रूण हत्या आज भी हमारे देश में हो रही है, जो अपने आप में बहुत ही संजीदा सवाल है। और यहाँ पर भी मैं एक बेटी की पीड़ा कहना चाहूँगी, कविता के रूप में मैंने लिखा था। एक बेटी अपने माता पिता से पूछ रही है, ना मार मुझे कोख में मेरा कसूर क्या है, ना मार मुझे कोख में मेरा कसूर क्या है, तेरी कोख के अलावा मेरा वजूद क्या है, तेरी कोख के अलावा मेरा वजूद क्या है। तो उस बेटी की हम, जिस बिटिया को हम अष्टमी के दिन, नवमी के दिन पूजन कर रहे हैं, और जब हमें लगता है कि घर में दो बेटियां पहले ही हैं और हम उसे कोख में ही बिटा देते हैं, तो ये इतना अमानवीकृत कैसे कर लेते हैं? क्या हमें दुर्गा पूजन का अधिकार है? धिक्कार है इस मानवीय जीवन को जिस देश के अंदर बेटियों को कोख में बिटाया जाता है। अब बात आती है बेटियों की, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी, जब बेटी कोख से निकलकर धरती पर जन्म लेगी, तो एक बहुत, ये मेरी खुद की पंक्तियाँ नहीं है, ये किसी और की ही पंक्तियाँ हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि जब बेटी जन्म लेगी ना, तो उस बेटी की पीड़ा कहती कि मुझे आप दहेज मत देना, सिर्फ मुझे एक कलम और किताब ला के दे दो, मैं अपना भविष्य खुद बना लूँगी।
और यहाँ पर मैंने एक बहुत सारे पेरेंट्स से मिलकर पूछा, आप चर्चा भी की कई बार, क्योंकि हम लोग स्लम एरियाज में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अर्बन एरियाज में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी क्लस्टर्स में या रूरल एरियाज में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी लोगों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी, हम लोगों को पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हो, और हम लोगों ने एक फॉर्म भरे, फॉर्म पर लोगों के साइन करवाए, जो युवा पीढ़ी थी, जो यूथ था जिन्होंने भविष्य में शादियां की हैं, उन लोगों ने उस फॉर्म पर साइन किए कि जब भी हम भविष्य में शादी करेंगे हम कभी भी लिंग परीक्षण नहीं करवाएंगे, कभी भी किसी भी तरह का भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। इस तरह का भी हमने एक अभियान मेरे एनजीओ ने शुरू किया कि हम कन्या भ्रूण हत्या को रोक सकें। अब बात आती, अगर बेटी इस दुनिया में आएगी और हम उसे तभी से संस्कारों की शिक्षा दे देंगे, हम उसे लड़ना सिखाएंगे, हम उसे पुरुष के प्रति इक्वल खड़ा करेंगे कि बताएंगे कि आप में और भाई में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, तभी इस समाज में परिवर्तन आएगा। आज ज़रूरत बेटियों को पढ़ाने की या समझाने की नहीं है, आज जो समाज की ज़रूरत है बेटों को बताने की है, आज बेटों को शिक्षित करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आप अपने घर में अपनी माता और बहन का सम्मान करते हो, उसी तरह से आपको इस देश की हर बेटी का, जो गली में आपके साथ खेल रही है वो भी आपकी बहन है, जो सामने खड़ी है वो भी आपकी माता है, आपको हर नारी का सम्मान करना होगा। सबसे पहले हमें इस सोच को हर बच्चे को बचपन से ही देनी होगी। जो शिक्षा हम आज लड़कियों को देते आए हैं वो अपने लड़कों को भी अगर देना शुरू करेंगे तो बेहतरीन नतीजे हो सकते हैं। अगर आज हम अपनी बेटी से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ क्यों जा रही है, यही सवाल अगर बेटों से भी लगातार पूछना हम शुरू कर देंगे और उन पर भी उसी तरह का अंकुश करेंगे, तो उम्मीद है कि ये जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो ज़्यादातर कम होगा। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। जी हाँ, कन्या का पैदा होना, उसका पढ़ना, फिर उसका सुरक्षित रहना, इन तीनों विषयों को लेकर केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज सेवी हैं, आम जनता है, और हर व्यक्ति जो देशवासी है उनकी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों पर आपकी क्या राय है? बहुत ही उम्दा सवाल किया है योगराज जी आपने। रो देती हूँ मैं अमानवीय कृत्य देखकर, मेरे देश में अब मानवीय मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। योगराज जी आप भी खुद देख रहे होंगे, आप एक क्या कहते हैं जर्नलिस्ट हैं, एज ए जर्नलिस्ट आपने देखा होगा और आप इतने सारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपने इस चीज़ को देखा होगा कि अब हमारे देश से जो हमारे नैतिक और मानवीय मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे देश में जो संस्कार और आइडल की जो बात होती थी, या भारत को, हम एक तरफ तो हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेकर आगे चल रहे हैं, और लेकिन वहीं पर हमारे देश में आइडियोलॉजी खत्म होती जा रही, कहीं वो संस्कार बचे ही नहीं, कहीं वो आदर्श बचे ही नहीं। और यहाँ पर ये तीनों चीज़ों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है कि बेटी के जन्म, बेटी की शिक्षा और बेटी की सुरक्षा। लेकिन क्या सिर्फ हम बेटियों पर अंकुश लगाकर हम बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं? क्या एक बेटी स्कूल से आती है तो बस उसके बाद सिर्फ वो घर का काम करेगी और उसके बाद फिर स्कूल जाएगी? क्या बेटी को खिलना ज़रूरी नहीं है? क्या एक खिलते हुए फूल को आप कैद करके रख देंगे? जब तक बेटी घर से बाहर निकलकर अपनी उड़ान नहीं भरेगी तब तक वो कैसे विकसित होगी? और वहीं हम पुरुषों को, या जो पुरुष बच्चे होते हैं, हम उनको पूरी उड़ान का मौका देते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इस मानसिकता को बदलना होगा और अपने अपने घरों और परिवारों में, यहाँ पर जो बात आती है वो पूरे संपूर्ण समाज की आती है, इस अपराधीकरण को रोकने में संपूर्ण समाज का बहुत बड़ा रोल है, और समाज को आज अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलना होगा। इस दृष्टिकोण का सबसे पहला हिस्सा यही होगा कि बेटा बेटी एक समान, नारी पढ़ेगी तो बनेगी महान। तो वो माता जिसकी कोख से एक बच्ची जन्म ले रही है, वही माता दोनों बच्चों में फर्क कर जाती है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो आज इस दृष्टिकोण को हमें बदलना होगा, हमें अपनी व्यापकता को देखना होगा, व्यापक स्तर पर इस दृष्टिकोण को बदलकर समाज के अंदर वापस वही मानवीय मूल्य, वही आदर्श, वही नैतिकता अब हमें दोबारा से जीवंत करनी है। जो बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति विशेष या सरकार की नहीं, आम जनता की, हर व्यक्ति की, हर देशवासी की ये जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं का सम्मान करे, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ विभिन्न विषयों पर व्यापक बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो पर बुलाया, और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ देश के पूरे हिस्से तक जाएगी, और मेरा यही सारे देश को संदेश है कि नारी को शिक्षित करो, नारी को जागृत करो, नारी शिक्षा से सुरक्षा की ओर हम बढ़ चलें।
ज्ञान की गंगा आज बह चली है, नारी अब शिक्षित हो चली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।